यूपी के मऊ जनपद में रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चलहा में ग्राम विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के आरक्षण करने गए और लोगों की पात्रता सूची का मिलान कर रहे थे, तभी ग्राम प्रधान और उनके चार पांच सहयोगियों ने काले कुत्ता देते हुए पीट दिया, साथ ही सरकारी कागजात भी फाड़ दिए, जिसकी प्राथमिकता सूचना दर्ज कराने के बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ के लोग विकास भवन के प्रांगण में कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए और प्रधान के ऊपर कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि कार्रवाई हुई तो हमने पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात कर ली, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप लोग आक्रोशित ना हो और अपना काम निष्ठापूर्वक लगन से करें ताकि शासन की मंशा के अनुरूप हम खड़े कर सकें। अच्छे काम में बाधा और अड़चने तो आएंगी ही, कैमरे पर बाइट देने से इनकार कर दिया। क्या हुआ गाँव में? मैं गया था आवास का सर्वे करना, तो गरीब है वाले और करके गांव से बाहर जब निकला प्रधान आया और कहा कि गाँव का मालिक हम आएंगे तुम हो और इसी पर गाली लगा और साथ में चार पाँच लोग लेकर मारने लगे। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेडिकल हुआ है? मेडिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सीडीओ साहब ने क्या कहा अभी? अभी विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रसाद जी जो रानीपुर विकास खंड में तैनात हैं और इंदिरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उन्होंने गांव में जो सर्वे कार्य कर रहे थे और लोगों को समझा बुझा रहे थे कि जो पात्र हैं, झोपड़ी वाले हैं, खपड़ैल वाले हैं, उनको आवास दिया जाएगा, आप लोग जो कोई भी पैसा की लेन देन करेगा या प्रधान हो या गाँव का कोई भी व्यक्ति हो उसको पैसा नहीं देना है, इसकी सूचना जो है प्रधान को लग गई और इसके बाद प्रधान ने जो है फोन पर उनको जो है श्री भीम प्रसाद जी को है भद्दी भद्दी गालियाँ, यहाँ तक कि जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियाँ दिया और इसके बाद कुछ अपने वो आदमियों को लगा दिए। जैसे भी कर्मचारी गांव से सर्वे करके बाहर निकलने लगे, अपने घर के लिए जाने लगे और रास्ते में घेर के आपके अहिला चट्टी के पास जो है पाँच छः लोग जो है उनको जो है डंडे से हाथों से काफ़ी पीटे हैं, जिसमें उनके जो है चेहरे पर और सीने पैर में काफ़ी चोटें आई हैं जी। और कर्मचारी आज जो है पूरे जनपद में आज भयभीत है,